नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ साक्षी जोशी। 5 सितंबर की ये महापंचायत, जिसका इंतजार काफी दिनों से था, तैयारी चल रही थी लगभग 2 महीने से। हमारे साथ इस वक्त राकेश टिकैत जी हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, मेधा पाटकर जी सब यहाँ पर हैं। टिकैत जी, दोपहर में 12 बजे तक आप यहाँ पर आए हैं, इतनी भीड़ आपने उम्मीद की थी? आए क्या, हम तो 1 घंटा तो जाम में ही फंस गया। 20-25 किलोमीटर लंबा जाम एक साइड में है, किसानों का जाम, ये शहरों के चारों तरफ है। और अभी यहाँ से शामली 35 किलोमीटर दूर है, तो शामली पूरा जाम है, तो भीड़ बहुत है किसानों की। और कंट्रोल भी बहुत कराए कि जो वाहन है यहाँ से 2-2 किलोमीटर दूर तक वाहन खड़े करे गए हैं, उसके बाद में भी पूरे उसमें ये भीड़ है। और यहाँ पे जो शहर के लोग हैं, जो दुकानदार हैं, जो यहाँ पे मकान वाले लोग हैं, उन्होंने दिल खोल के लोगों का स्वागत कराया, पूर्ण रूप से अपने घर उन्होंने खोल ले, तो उनका धन्यवाद है सभी का, पूरे शहर का, जो यहाँ के रिक्शा चालक है उन सब का भी धन्यवाद कि उन्होंने पानी की व्यवस्था अपनी रिक्शाओं से पहुँचाने का काम करा है। सारी दुकानें बंद हैं यहाँ? दुकानें बंद है, उनका सहयोग सब लोग का है, पानी की व्यवस्था ये सब लोग वे कर रहे हैं। आपका घर यहीं पर है, लेकिन आप घर नहीं जाएंगे? घर नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। ना, ना। तो परिवार सिर्फ पूरा है, सिर्फ परिवार के लोग हैं, मिल लिए थे, उनको देख लिया, सब परिवार है, मुझे फनगर पूरा परिवार है। घर का खाना तो है जी, घर का खाना तो कम से नहीं, नहीं क्यों नहीं, नहीं, ये सब लोग भी हैं, जो लोग बहुत हैं घर नहीं जा पा रहे, तो हम नहीं घर जाएंगे। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। 5 सितंबर की महापंचायत, राकेश जी, 5 सितंबर की महापंचायत, अब आज क्योंकि वो दिन आ गया है, एक दिन पहले पुष्टि शायद आप नहीं बताते, अब आप बताइए इसका मकसद क्या है? देखो, मकसद यह है कि पूरे देश भर में जो प्राइवेट सेक्टर की सब सिस्टम है, भारत सरकार उसको बेच रही है। अगर प्राइवेट सेक्टर बिकेगा, जो भारत सरकार के उपक्रम होते हैं और वो बहुत आमदनी और रोजगार देते हैं, अगर वे प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे तो उससे नुकसान होगा, उससे रोजगार खत्म होंगे, उनसे बेरोजगारी बढ़ेगी, उससे महंगाई बढ़ेगी, तो ये सारी चीज़ें होंगी। 3 कानून सरकार को वापसी लेना चाहिए, MSP पे गारंटी कानून बनाना चाहिए, ये करना चाहिए सरकार को। सरकार क्यों नहीं सुन रही है राकेश जी, 10 महीने हो गए और अब नहीं सुन रही, तो आगे क्यों सुनेगी? देखो, सरकार कंपनी सरकार को चला रही है, अगर जिस कंपनी को चलाएगी सरकारें को कंपनी चलाएगी तो यही अर्थ होता है, जब जब प्राइवेटेशन होता है तो ये दिक्कतें आती हैं। सीधा सीधा, क्योंकि आपके सारे जितने भी यहाँ पे पोस्टर लगे थे, बैनर लगे थे, उसमें लिखा था कि सरकार देखेगी किसान की ताकत, तो ये ताकत ही दिखा रही थी, शक्ति प्रदर्शन है। हर आदमी का अपना है कि उसने किस किस उससे उसको बैनर को लगाया है, और लोकतांत्रिक देश में जनशक्ति भी एक बड़ा वो है, अपना प्रदर्शन करके दिखाया है, लोगों ने आए हैं, और ये पूरे देश भर में लोग आएंगे जाएंगे, मीटिंगें होंगी पूरे देश भर में जाएंगे, शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं ना इसको? क्यों नहीं कहेंगे, शक्ति प्रदर्शन कहना चाहिए इसको, लोग नाराज हैं, लोग दुखी हैं, तो लोगों को आना चाहिए। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि राकेश टिकैत जी, योगी सरकार, मोदी सरकार, भाजपा की सरकार के खिलाफ बोल तो रहे हैं, लेकिन फिर किसकी सरकार आए ये नहीं बता रहे। नहीं, हम क्यों बतावे किसकी आएगी, तो फिर लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे? हम ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार है किसानों के खिलाफ काम करेगी, हम उसके खिलाफ बोल देंगे। आपके हिसाब से कौन सी सरकार है जो कि इस काम कर रही है किसानों? हम ये कह रहे हैं कि हम किसी के पक्षधर नहीं है, सरकारें किसानों का, जनता का ठीक व्यवहार करे तो धन्यवाद है उनका। ऐसा करने से थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाते हैं लोग, क्योंकि यही तो दिक्कत आती है, विपक्ष का वोट तो हमेशा बट जाता है, तो अगर एक तरफ आपको वोट एक तरफ डलवाने के लिए आ रहे हम, है कि समस्या किसी की होगी तो हम बोल लेंगे, जो लोग मुख्यमंत्री ठीक काम करेगा उसका धन्यवाद देंगे। और क्या क्या मुद्दा सिर्फ और सिर्फ सभी किसानों के लिए कृषि बिल ही है, कृषि कानून ही है, क्योंकि कुछ लोगों का MSP एक बड़ा सवाल है, MSP पे कानून बनना चाहिए, उसमें और फसलें भी इंक्लूड होनी चाहिए, जो नुकसान किसानों को हो रहा है, आम जनता को हो रहा है, उसकी भरपाई सरकार करे। अब देखिए, इलेक्शन सर पे है, कोई भी सरकार, मतलब आप ये समझते हैं, आप भी चुनाव लड़ चुके हैं, आप जानते हैं राजनीति को, कोई भी सरकार इतना बड़ा पॉलिटिकल सुसाइड नहीं कर सकती कि किसान इतना बड़ा तबका अपना नाराज कर ले। आपको क्या लगता है कि ये सरकार इतनी विश्वास में क्यों है? देश को कंपनी के हाथों बेचना चाहते हैं, ठीक है, पर ये भीड़ क्यों नहीं डरा रही हो?
दिखाई जाए, जो ये कह रहे थे कि सरकार देखेगी इस बार किसानों की ताकत, उसका मतलब ही यही था कि एकता देखेगी, एकता, और वो भी किसानों की एक साथ। इतने सारे अलग अलग इलाकों से, राज्यों से आए हुए किसान, वो अपनी एकता दिखाएंगे आज, वो अपनी एकता आज दिखा रहे हैं यहाँ पर एक साथ अपने। तुम्हें यही पूछ रहे थे राकेश जी कि ये भीड़ क्यों नहीं डरा रही उस सरकार को। अब हम तो अपनी बात कहने आए, हम तो कहने आए कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा है। हम तो जाएंगे इस इशू के साथ में, जनता के बीच में जाएंगे, हम देश भर में मीटिंगें करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, जो भारत सरकार ने वादा कराया है उसका पक्ष करने जाएंगे, जो सरकार संस्थाओं को बेचने का काम कर उसका विरोध करेंगे, अपने फसलों के रेट के लिए जाएंगे, हम सब जगह चीज के लिए जाएंगे। आज की इस तस्वीर के बाद आपको लगता सरकार डरेगी? हमें तो नहीं पता डरेगी नहीं डरेगी, उसको ज्ञान जरूर प्राप्त होना चाहिए। कौन सा ज्ञान प्राप्त सबसे पहले होगा? प्राप्ति तो होगा ही, जनता आ रही है और ये जाएगी, आप अपने क्षेत्र में जाएगी, एक विचार लेके यहाँ से जाएगी। ठीक है राकेश जी, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ए भाई योगेंद्र जी से भी बात कर लेते हैं। योगेंद्र जी, ये तस्वीर सरकार को डराएगी? वैसे तो अगर सरकार को अकल होती तो उन्हें पहले से पता होना चाहिए था, लेकिन जो कई दिन से जानबूझ के आंख बंद करके बैठे हुए थे, सोच रहे थे कि टीवी से उतरवा दिया इसका मतलब आंदोलन बंद हो गया, उन लोगों की आंख खोलने के लिए होना चाहिए। कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लुहार की, तो ये एक लुहार की है उन दरबारी और सरकारी लोगों को सुनाने के लिए। आप कहते थे ना आंदोलन खत्म हो गया, ये देख लो कहाँ आंदोलन है, ये देखो आंदोलन कहाँ खत्म। आज कितने लोग आए होंगे आप, क्या अंदाजा, क्या कह रहा? मेरी गिनती से तो बाहर है, लाखों हैं, ग्राउंड भर गया है, शहर भर गया है, उसके बाहर भर रहा है। मेरे जाम में फंस गए, वो बोल रहे थे आते में जाम में फंस गए। जी, जो सारी फोटो हो रही है वो आपको बताएगा, मेरा कोई अंदाजा नहीं जी, यहाँ से तो कुछ पता नहीं लग रहा। पूरा ऐतिहासिक रैली है और इस देश के किसान आंदोलन के इतिहास में एक मील का पत्थर है आज की रैली। मेरा ये शायद बता पाएंगे, आपको बहुत बहुत आपको एक्सपीरियंस इस बात का है, आंदोलन आपने बहुत किए हैं, आप अंदाजा लगा पा रही है मैम कि कितने किसान होंगे आज यहाँ पे? लाखों लाख, कितने लाख? अनगिनत है। और इसीलिए एक प्रकार से मुजफ्फरनगर से और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय एकजुटता का भी संदेश है, और जो नोटबंदी करते रहे उनके सामने वोटबंदी का संदेश है। और यह ऐतिहासिक नहीं है, यह भविष्य की पुकार है, क्योंकि किसान और मजदूरों की एकता। और पिछली बार मैं मुजफ्फरनगर में आई थी तब निरपराध लोगों की, धर्मांध लोगों ने की हुई हत्याकांड को जांचने के लिए उनके घर घर पहुंची थी। आज जो ये चित्र दिख रहा है वो एक राष्ट्रीय एकात्मता जाति पाति पंथ के पार है। महिलाओं की संख्या और होनी चाहिए थी, पर जो जो भाई हैं उनके साथ जो घर घर में महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से ये वोट बंदी में अपना बहुत बड़ा योगदान देने वाली है। और यूपी प्रधानमंत्री बनाते हैं पर अभी यूपी प्रधानमंत्री को गिराते भी हैं, ये साबित करने का एक एक इशारा, चेतावनी, कानून जो किसान विरोधी उसके बारे में भी, और जो 4 संहिता श्रमिक विरोधी है उसके बारे में भी, और एक उपज का दाम नहीं देते, और नीरव मोदी जैसे कि कर्ज मुक्ति करते हैं, उनके जनतंत्र पर जो हत्या हो रही है उसके विरोध में भी एक इशारा, ये एक इशारा है। और आप देख रहे हैं, दूर दूर तक नजर डालने की कोशिश कीजिए, कैमरा पर्सन अरविंद को मैं कहूंगी दूर दूर तक जरा नजर डालिएगा, दूर तक भी आप अगर कोशिश करेंगे देखने की भी तो आपको आपकी गिनती भूल जाएगी, इतना है। और यही एक शक्ति प्रदर्शन का ही मकसद था आज की इस महापंचायत का, और वो शक्ति प्रदर्शन दिख गया है। सिर्फ यही नहीं, मैंने आपको सड़कों तक भी दिखाया था, यहाँ से सड़कों तक वो शक्ति प्रदर्शन दिखेगा। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ साक्षी जोशी, देखते रहिए यूपी साक्षी है।